नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो डोमिनिक पेरेस और अनीश गिरी के बीच हुआ था, वर्ल्ड रैपिड टूर्नामेंट में, जो कि मॉस्को में रशिया में शुरू है। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ वो e4 c5 Nxe3 d6 d4 Cxd4 Nxd4 Nfx6 Nxc3 a6। नाइटडॉफ हमेशा से ही हायर लेवल पे एक मेन वेपन रहा है अगर हम बात करें e4 के अगेंस्ट तो, और उसके अलावा e5 भी एक डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्राई रहता है, लेकिन नाइटडॉफ को हमेशा बहुत ही रिच मानते हैं अगर ओपनिंग चॉइस की बात करें तो। बिशप e3 खेला यहाँ पे, e5 Nxb3 बिशप e6 f3, ये सब ओपनिंग में ऑर्डर है। और यहाँ पर आकर मुझे लगता है अभी बहुत सारे अलग अलग कंटिन्यूएशन हैं ब्लैक के पास, लेकिन उनमें से एक जो ब्लैक ने खेला अनीश गिरी ने h5 खेला यहाँ पे। h5 मुझे याद है बीच में मेरा गेम हुआ था MCL में ईशा करवाड़े के साथ, जो कि इसी लाइन पे हुआ था h5 पे। अब आइडिया मेनली यही है कि g4 को स्टॉप कर रहा है ब्लैक, और नाइटडॉफ पे नॉर्मली शॉर्ट कास्टिंग करते हुए भी h5 खेलना वैसे ऑड लग रहा है, पर ये थियोरेटिकली बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ है लोगों ने, तो बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं इस पे। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा अच्छा देखा जाए तो ओपनिंग मानते हैं ब्लैक से, और बहुत सॉलिड भी है। नाइट d5 खेला, यही इसकी मेन लाइन है, जिसमें मेनली व्हाइट जो है वो कोशिश करता है कि दो में से कोई एक पीस से आप मारो और e कट d5 के बाद c4 को भी हम ज्वाइन कर सके। तो bd5 मारा यहाँ पे, नाइट इनटू d5, नाइट d7। बिशप को डिले करने का पॉइंट ये रहता है कि इस पोजीशन में, कि बाद में जब हम g6 खेलेंगे तो बिशप इजीली bg7 ले सकें, ताकि ये जो बिशप है इस फिनचर टोक के हिसाब से स्ट्रांग लगे। नॉर्मली बिशप e7 पे इस पोजीशन में रखना इतना अच्छा नहीं मानते हैं, इसीलिए जब आपको अगर पता है कि आप h5 वाली लाइन खेल रहे हो या उसके लिए जाना है, तो बिशप e7 डिले करना चाहिए ताकि बाद में आप g6 करके bg7 इजीली जा पाओ। क्वीन d2 खेला g6, और यही इसका मेन आइडिया रहता है कि आप चेटों में g7 बिशप डेवलप करो। यहाँ पे मुझे जहां तक पता है जो मैंने लाइन खेली थी उसमें बिशप e2 और शॉर्ट कैसल के लिए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया है कि आप c4 करके लॉन्ग कैसल शॉर्ट कैसल कर लो, और बाद में इस रूक को निकाल के ये जो नाइट है उसको आप रीग्रुप कर सकते हो a1 c2 और फिर b4 या a3 आके। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया है उसमें, लेकिन बहरहाल इस गेम में लॉन्ग कैसल किया पेरेज ने, डोमिनिक पेरेज ने। और लॉन्ग कैसल के बाद अभी आप अगर देखें तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है। नॉर्मली मैंने जो प्रिफेयर किया था उस हिसाब से ये अलग है, और डेफिनेटली ये भी लाइन खेलते हैं इसमें। तो बिशप टू g7 खेला, किंग b1, ये एक हिसाब से एक सेफ खेलने वाली मूव है और प्रोफिलेक्सिस वाली मूव है, क्योंकि c4 में आप देख सकते हैं बाद में जब भी रुक c8 पे आएगा तो डेफिनेटली किंग c1 पे रखना इतनी अच्छी बात नहीं रहेगी। क्वीन c7 खेला यहाँ पे, बिशप टू e2 शॉर्ट कैसल g4। अब देखा जाए तो एक हिसाब से ये ड्रैगन का स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन ड्रैगन में नॉर्मली बिशप जो पॉन है वो e5 पे नहीं रहता है, e6 पे रहता है, और नेचुरली ड्रैगन में g4 और h4 ऐसा ही अटैक करते हैं, जो कि नाइटडॉफ में हम लोग उसको इंग्लिश अटैक बोलते हैं और ड्रैगन में उसको यूगोस्लाव अटैक बोलते हैं। तो आइडिया वही है f3 g4 का, कि पॉन्स ब्रेक करो और h4 h5 करके इधर अटैक करने की कोशिश करो। रुक fc8 खेला यहाँ पे, डेफिनेटली कभी ऐसा थ्रेट आ सकता है नाइट इनटू d5 क्वीन, अगर आपने क्वीन इनटू d5 मारा तो क्वीन c2 और फिर क्वीन इनटू e2 मर रहा है, तो ये एक थ्रेट था अभी। रुक c1 खेला c2 को प्रोटेक्ट करने के लिए, hg4 fg4 एंड a5। अब यहाँ पे बहुत जरूरी था, जब भी आप अपोजिट साइड कैसल में हो तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो फाइल्स हैं वो इजीली ओपन हो, और b3 जो नाइट है उसको डिस्टर्ब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आपको लगे कि नाइट जो है वो b3 पे और g3 पे है, या ब्लैक का नाइट अगर g6 पे और g6 पे और b6 पे है, तो डेफिनेटली आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए a5 a4 या फिर h5 h4, ताकि इन नाइट्स को हम हटा सकें, क्योंकि ये इनका नेचुरल प्लेस नहीं है और उसमें आपको उस पर्टिकुलर पार्ट में स्पेस भी मिल जाती है। तो आपको उस हिसाब से जो a5 a4 है वो सही लग रहा है। g5 खेला यहाँ पे, उन्होंने भी नाइट पे अटैक किया इधर f6 पे, a4 डेफिनेटली अगर आप ये देखा जाए तो एक नॉवेल्टी है, उसके पहले गेम हुआ था जिसमें
नाइट e4 खेला था ब्लैक ने, लेकिन इस गेम में a4 खेला जो कि गिरी की तरफ से एक नॉवेल्टी थी। यहाँ पे जी कट f6 मारा, नाइट इनटू f6, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऑप्शन और भी था कि आप ए कट b4 b3 मारो, और जिसमें fg अगर मारते हो तो मे बी बी कट a2 आ सकता है, और डेफिनेटली उसमें किंग a1 आके वो डिफेंड हो जाएंगी पोजीशन मुझे लगा। या फिर आपके पास और एक तरीका है कि आप c2 b3 पहले मार दो, क्योंकि इधर क्वीन पे अटैक है और इधर पीस भी मार रहा है। सो इसीलिए नाइट कट f6 मारा यहाँ पे, h4 खेला यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं नाइट को बहुत अच्छे प्लेस नहीं है इधर, a1 ओनली मूव लग रही है और वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो उसके अलावा वाइट ने सोचा कि पॉन, वैसे ही नाइट जो है वो b3 पे अगर मारते हैं तो पॉन टेक्स मार के रुक पे क्वीन पे अटैक भी आएगा और नेक्स्ट मूव h5 भी खेल सकेंगे। तो एकट बी थ्री को सीकट बी थ्री मारा, नेचुरली एकट बी थ्री मारना चाहिए क्योंकि सेंटर की तरफ जाती हुई पॉन से मारना चाहिए, पर इधर आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट एक टेम्पो मिल रहा है क्योंकि क्वीन पे अटैक है और नेक्स्ट मूव h5 खेल सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर किसी पोजिशन में कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है आपको, जैसे कि कोई पॉन नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिल रहा है, एक्सचेंज नहीं मिल रहा है, पर आपको हर बार मूव मिल रही है एक एक्स्ट्रा, वो भी देखा जाए तो एक एडवांटेज है। तो क्विकली हम लोग गेम की तरफ जाते हैं कि इस पोजीशन में आगे जैसे ही सीकट बी थ्री मारा, क्वीन डी सेवन हटाया, डी सेवन पे थ्रेट था डेफिनेटली, तो रुक एफ सी सी एफ एट खेला, एफ वन खेला, नाइट ई फोर, क्वीन ई वन। अब इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि अभी तक पोजीशन ठीक लग रही है, लेकिन एच फोर को रोकना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी ब्लैक के लिए। तो क्वीन सी सेवन खेला, बी डी थ्री, नाइट टू सी फाइव, बिशप कट सी फाइव, और आफ्टर क्वीन कट सी फाइव यहाँ पर वाइट ने क्वीन ई फोर खेला। डेफिनेटली जो आइडिया है वो ये है कि एच फाइव खेल के नेक्स्ट मूव में इस पॉन को ब्रेक करेंगे और उसके बाद क्वीन एच सेवन, और आप देख सकते हैं कि इधर प्रेशर है इस डायगनल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था जहाँ पे ब्लैक ने एफ फाइव खेला, जो कि बहुत नेचुरल लग रहा है क्योंकि आपको अभी क्वीन को रिमूव करना पड़ेगा और इस पोजीशन में डेफिनेटली नेक्स्ट मूव ई फोर आ सकता है और उसके बाद क्वीन डी फोर आ सकता है, जिसमें कि एक बार अगर ये क्वीन डी फोर आ सकता है तो आप देख सकते हैं बी टू पे बिशप और क्वीन में लगे दोनों अटैक कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको एक राइट कंटिन्यूएशन के साथ लेके जाए वाइट को, क्योंकि यहाँ पे अगर एक दो मूव और मिल गई ब्लैक को तो ब्लैक डेफिनेटली बहुत एक्टिव हो जाएगा और कुछ कंडीशन में रुक इन टू आफ्टर ई फोर क्वीन डी फोर रुक इन टू ए टू भी सेक्रीफाइस आ सकता है कभी, तो एक बहुत ही मुश्किल पार्ट लग रहा था। तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे पॉज करके कि आप देख सकते हैं कि क्या एक बेस्ट कंटिन्यूएशन है वाइट की तरफ, क्योंकि जिस हिसाब से डोमिनिक पेरेज ने ये गेम को खेला वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था, और अनीश गिरी के अगेंस्ट जो कि जिसको कि हम लोग सभी बहुत सुपर सॉलिड मानते हैं कि उनको हराना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुक इनटू f5 मार दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी दो पॉन के लिए रुक सेक्रीफाइस दे दिया है वाइट ने, और आफ्टर जी कट f5 यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते थे, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि क्योंकि ए फाइल ओपन है तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रोक आ सकता था कि रुक इन टू a2 मार दे, क्योंकि रुक इन टू a2 में अगर आप किंग इन टू a2 मारते हो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि किंग इन टू a2 मारे जिसमें जी कट f5 मार के, और अब इसको हम रुक चेक दे सकते हैं जिसमें कि आपको किंग b1 फोर्स्ड है और किंग b1 के बाद e4 आ रहा है, और डेफिनेटली इस पोजीशन में अगर आप अभी क्वीन टू e4 मारते हो तो फिर से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये बहुत बार पजल बुक में दिया रहता है, आप देख सकते हैं एक सिमिलर सा पोजीशन है कि यहाँ पे रुक a1 आ रहा है एक्चुअली, जिसमें आप देख सकते हैं किंग a1 अगर मारते हैं तो क्वीन a3 चेक, और अगर आप किंग हटाते हो b1 पे तो डेफिनेटली नेक्स्ट मूव मेट हो रहा है तो b2 पे। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था जिसमें कि, लेकिन मुझे लगता है रैपिड में या कम टाइम वाले गेम में ये सब कॉम्बिनेशंस देख लेना इतना आसान नहीं था वैसे, तो इसके कारण उन्होंने रुक f5 पे g5 मारा और उनको लगा कि फिलहाल कुछ थ्रेट नहीं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मूव्स आ रही है विथ टेम्पो रुक इन टू a2 उस वक्त ही सही था इसको मारने के पहले, उसके बाद शायद चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही क्वीन इन टू f5 मारा अब रुक c7 खेला ब्लैक ने यहाँ पे अनीश गिरी ने, और आफ्टर रुक f1 अभी देखा जाए तो वाइट पूरा एक रुक डाउन है, लेकिन जो पोजीशन है वो इतनी चैलेंजिंग लग रही है ब्लैक के लिए कि आप क्वीन इनटू क्वीन h7 मेट को आपको पहले बचाना है। तो बिशप f8 खेला यहाँ पे, चेक, किंग टू h8,
और क्वीन एच फाइव चेक दे दिया यहाँ पे। क्वीन एच फाइव चेक के बाद आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जैसे ही किंग जी एट खेला तो आफ्टर क्वीन जी सिक्स चेक फिर से किंग एच एट आया। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो परपेचुअल हाथ में है व्हाइट के, लेकिन डेफिनेट और व्हाइट एक रूक डाउन भी है, लेकिन डेफिनेटली व्हाइट को लगा होगा कि मुझे और ज्यादा कुछ मिल सकता है इस पोजिशन से, तो उस हिसाब से उन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास आप पे क्लियर एक पीस डाउन हो, आपके हाथ में परपेचुअल है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पोजीशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हार और जीत के परे ये गेम जरूर खेलना चाहिए अगर आपको उस वक्त लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो रुक जीवन खेला यहाँ पे क्वीन इन टू जीवन, क्योंकि क्वीन जी एट मेट बचाना मुश्किल था। आफ्टर क्वीन इन टू जीवन बिशप एच सिक्स खेला यहाँ पे बिशप सी फोर। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास दो रुक है क्वीन के अगेंस्ट, लेकिन पॉन फॉर्मेशन डेफिनेटली व्हाइट के फेवर में है और एक ही पॉन है ई फाइव जिसके भरोसे ब्लैक थोड़ा सा काउंटर क्रिएट कर सकता है इसमें। सो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जब भी आप क्वीन के अगेंस्ट खेलते हो नॉर्मली आपका किंग सेफ होना चाहिए, पर इस वक्त ये किंग इतना सेफ नहीं है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि व्हाइट का किंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक आइडियल पोजिशन है कि व्हाइट इसमें डेफिनेटली बेटर होना चाहिए इस पोजिशन में क्वीन वर्सेस टू रुक में। रुक जी एट खेला है यहाँ पे, क्वीन टू बी सिक्स डी सिक्स और सी सेवन पे थ्रेट है, रुक डी सेवन फोर्स्ड बिशप बी फाइव। बिशप बी फाइव के बाद आपको अभी कोई ना कोई एक पॉन को छोड़ना पड़ेगा डी सिक्स को या बी सेवन को, तो रुक जी सेवन खेला जिसमें ए फोर आ गया वाइट। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब आपको पता है कि नेक्स्ट मूव चेक आ सकती है, फिर रुक दूसरा चेक आ सकता है, तो क्वीन डी सिक्स मारने से अच्छा था कि एक स्क्वायर बना ले वाइट किंग के लिए ताकि वो सेफ हो जाए। तो रुक जी सिक्स खेला यहाँ पे, बिशप सी फोर आफ्टर रुक एफ सिक्स क्वीन इन टू बी सेवन मार दिया। और आप देख सकते हैं क्वीन इन टू बी सेवन में अभी ये तीन पॉन जो है वो उनको कोई रोकने वाला नहीं है, और मेन सबसे जो पोटेंशियल पॉन मुझे लग रही है जो बन सकती है वो ए पॉन है। तो यहाँ पर बी जी सेवन खेला ब्लैक ने, बी जी सेवन को क्वीन बी फोर आया, अभी सिंपली डी सिक्स पे भी थ्रेट है और इसका मतलब है कि रुक आप कहीं लेके नहीं जा सकते हो, और हो सकता है क्वीन का भी ई फोर आके फिर से थ्रेट जनरेट करे मेट का। रुक एफ फोर खेला यहाँ पे, क्वीन इन टू डी सिक्स रुक एच फोर क्वीन टू ई सेवन एच फोर पे थ्रेट है, रुक एच वन चेक किंग ए टू, इसीलिए ए फोर खेला था पहले, यहाँ पर ई फोर खेला और मुझे लगता है अभी ये बहुत लेट हो गया था ई फोर सेक्रीफाइस देने का, जब पहले रुक इन टू ए टू और ई फोर आ रहा था वो एक बेस्ट कंटिन्यूएशन था इस गेम में। क्वीन इन टू ई फोर मारा, रुक एच टू बी टू मर रहा है, बिशप सी टू से बचाया उसको, रुक सी एट अभी आप को डबल थ्रेट है उस पर, और आफ्टर किंग बी वन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट अभी अगर व्हाइट ने इसको भी मैनेज कर लिया मेंटेन कर लिया और ए फोर बी फोर करके पुश किया तो वो स्लोली इम्प्रूव करके गेम जीतना चाहिए। तो यहाँ पे रुक सी इंटू सी टू मारा, क्वीन इंटू रुक टेक्स किंग टेक्स। नॉर्मली हम मानते हैं कि मिडल गेम में अगर एक माइनर पीस के बदले तीन पॉन मिल जाते हैं या फिर दो पॉन और एक्सपोज किंग मिल जाता है तो भी वो पोजिशन प्लेबल है, यहाँ पे चार पॉन है सिर्फ बिशप के बदले, मतलब किसी भी हिसाब से देखा जाए तो व्हाइट हार नहीं सकता है। तो इस गेम के सिर्फ दो ही रिजल्ट हो सकते हैं और डेफिनेटली व्हाइट मुझे लगता है जीतना ही चाहिए क्योंकि चार पॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक बिशप के लिए, और ऊपर से ये किंग भी बहुत दूर है तो उसको भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है जल्दी। तो किंग जी एट खेला, किंग डी थ्री किंग टू एफ एट ए फाइव बिशप टू ई फाइव किंग सी फोर। अब डेफिनेटली उसका ट्राई ये रहेगा कि कोई भी एक पॉन क्लियर हो जाए। किंग ई सेवन खेला यहाँ पे ए सिक्स, उसको रोकना बहुत जरूरी था। बी एट खेला बिशप, किंग सी फाइव और आफ्टर किंग डी सेवन किंग बी सिक्स खेल दिया। और आप देख सकते हैं अभी अगर आप किंग डी सिक्स आते भी हो तो नेक्स्ट वो ए सेवन आ रहा है, आपको बिशप इन टू मारना ही पड़ेगा। किंग इन टू मार के किंग डी फाइव खेला तो किंग बी सिक्स, और इस किंग को कहीं से भी एंट्री नहीं है इस फाइल में, डेफिनेटली उसके बाद बी फोर बी फाइव आके ये पोजिशन जीती रहे। तो फिफ्टी फिफ्थ मूव पे आके आफ्टर किंग बी सिक्स निशगिरी ने रिजाइन कर दिया। और ये जो एक नाइजडॉफ का जो गेम हुआ था उसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जहाँ पे व्हाइट ने ये डिसाइड किया था कि रुक इन टू एफ फाइव मारना है, और डेफिनेटली उसमें जो एक रिवर्स सेक्रीफाइस आ रहा था रुक इन टू ए टू वो एक बहुत अच्छा सिचुएशन था चेक करने के लिए। मेरे हिसाब से इस पोजिशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी था। बीच में मुझे याद है इस लाइन पे राइल ने भी दो तीन गेम खेले थे जब उसका नॉर्म भी हुआ था, तो वो भी गेम्स कुछ अच्छे हुए थे और मुझे एक्चुअली सिमिलर पोजीशंस थे उसमें, उसने एक दो गेम में शॉर्ट कैसल ही किया था तो वो भी कुछ गेम्स अच्छे हुए थे इस लाइन पे। पर H5 वैसे देखा जाए तो एक पॉपुलर लाइन है, डेफिनेटली
इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि ओपनिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम्स थे, बाद में जो सीक्वेंसेस आए थे उसमें डेफिनेटली दोनों के पास चांसेस थे, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा गेम होता वर्ल्ड रैपिड में डे वन पे, और अनीश गिरी को सभी मानते हैं कि बहुत सॉलिड है, तो उम्मीद करेंगे वो और अच्छा खेलेंगे आगे के गेम्स में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, डोमिनिक पेरेस के भी अगर गेम्स होते हैं कोई, क्यूबा से हैं वैसे वो, आपको पता होगा कि क्यूबा से हमारे जो पहले वर्ल्ड चैंपियन थे कैपाब्लैंका, वो भी वहीं से थे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।